ट्रॉली का नंबर भी 165 है, इसको 165 अलर्ट हुआ है, पता चल जाए किसका है। और इस पूरी ट्रॉली में भूसा भरा हुआ, उसके नीचे आधा आधा भूरा इन्होंने धान डाल दिया है। ये किसी की वो है जानबूझ करके, ये जो है इन्होंने ऐसा काम किया, ये हमें पता चल जाएगा। ये जांच का विषय है और इनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई होगी। ये बहुत ही गलत बात है। क्या हो सकता है, क्या मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? मनसा डेफिनेटली, यदि कोई इस तरह से मंडी के अंदर लेकर कह रहा है तो मनसा तो इसका मतलब बहुत ही गलत है। इट इज़ वेरी क्लियर हियर, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। और क्या मनसा हो सकती है? सही है, सब यहाँ तोलाया जा रहा है, सब करा जा रहा है। और यदि ये बात देखिए, यस की पूरा गाड़ी में भूसा भरा, भूसी भरी, उसके नीचे कहीं पर थोड़ा सा धान है, मट्टी के तेल की महक आ रही है। दीज आर वेरी क्लियर यस कि ये किसी की जानबूझ कर जो है बदमाशी की गई। सर, एक किसान का अभी आरोप है कि हम 15 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, हमारा धान नहीं। प्लीज डोंट रिलेट इट विद दिस। वो 15 दिन से जो कह रहा है, पूछे कौन 15 दिन से? 15 17 तो मैं यहाँ सत्रह कितनी तारीख हो गई है? मैं मुझे बताइए, 9 दिन 26 दिन हुए और वो क्या तारीख को आया था? टोकन उसको मिला ही नहीं मिला, इस किसान से पूछिए। टू फैक्टर्स हैं, उनका सेंटर बंद होगा तो ये तो उसकी बात है, इसीलिए हम इसको यहाँ से तुरंत हटा रहे हैं। जिन लोगों ने धान में लगाया क्या कार्रवाई होगी उनके? डेफिनेटली उनको जाँच खिला करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत ही गलत। ये मतलब देखिए कितना प्री प्लान जैसे है, भूसी रखना, ये यू जस्ट सीट क्या है ये, इसको भी आप फोटो वोटो ले लो, क्या है इसमें कहीं धान कहीं दिखा नहीं? और मट्टी के तेल की महक आ रही है, जस्ट इसको आप सूंघिए, लग रहा है मट्टी के तेल? बिल्कुल। तो ये मतलब इसका मतलब इट इज़ वेल थॉट प्लान।